हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन ऑफ लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक नीट यूजी। मैं अगेन आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं हूँ आपकी एजुकेटर जो कि आपको नीट यूजी की बायोलॉजी पढ़ा रही है, डॉक्टर नीतू भावनानी, आप सभी की एमबी मैम, जो कि बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं। अब मैं अनअकैडमी पर हूं, आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनअकैडमी पर, लेट्स क्रैक नीट यूजी। अब क्या करना है, सबसे पहले तो अभी के अभी अपने और फ्रेंड्स को बताना है कि मैम सेशन ले रही है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ना है। इस सेशन को अभी के अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, इस सेशन को भी कर लो, ठीक है। अनअकैडमी इंडियाज लर्निंग लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ चुकी हूं और अब आप सबको मेरे साथ जुड़ना है। उसके लिए आपको अपने फोन के प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आप पूरे अनअकैडमी को एसेस कर सकते हैं, जो भी कोर्स आपको लेना है आप ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, और सबसे बेस्ट है नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के लिए 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है उनसे आप नीट यूजी के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। अगेन मैंने कहा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट। लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको डेली लाइव क्लासेस दूंगी, उसमें जो भी थ्योरी है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ दूंगी। टेस्ट में ले ही रही हूं ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का मजा ले सकते हो घर में बैठकर किसी भी कंफर्ट लेवल में किसी भी डिवाइस से। अगेन 1 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट। उसके लिए आपको मेरा रेफरल कोड MB10 यूज करना है, और जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आप यही कहूंगी कि आपको मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए, 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, यार मेरा कोड यूज कर लो, MB10 डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं, कहीं नहीं जाना है, एंड तक मेरे साथ रहना है, आगे भी नया अनाउंसमेंट करने वाली हूं, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी के अभी करना है, और फ्रेंड्स को बता दो एमबी मैम आ गई है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर नीट यूजी बेस्ट स्टूडेंट्स। MB10 रेफरल कोड आपको यूज करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी के अभी करो यार। आज हम लोग कौन सा सेशन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैं कहूंगी मैं ऑन डिमांड ले रही हूं, जबकि मेरे को पहले की यूनिट लेनी चाहिए थी, पर ऑन डिमांड स्टूडेंट्स की मैं ले रही हूं। ये है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने कहा पहले ये ले लेते हैं। अगर इसके वेटेज के बारे में बात करें तो हर साल अगर एवरेज निकालें तो 2 से 4 क्वेश्चंस आए हैं, 2 मतलब 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज निकाला है। अब हमें पढ़ना क्या है, एंड तक रहोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। अब इसमें ये सारे कंटेंट्स पढ़ने हैं, कंटेंट मतलब हम लोग एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। देखो इसमें क्या है, आपको ले दे के टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, फिर टिश्यू बहुत बड़ा टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, डाइकोट मोनोप्लांट की एनाटॉमी पढ़नी है, चाहे उसकी रूट की हो, स्टेम की हो, लीफ की हो, और हमें सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ वाइज ग्रोथ, चौड़ाई वाइज, किसकी फॉर्म में, चौड़ाई वाइज ग्रोथ, ठीक है। अब देखो यहां पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हमारा फोकस सीधे के सीधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे जाएगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मतलब जो हाईली डेवलप्ड है, हाईली इवोल्यूटेड है, और उनके पास वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर है, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, मैं चलो पहले मॉर्फोलॉजी पूछती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी मॉर्फोलॉजी कैसे दिख रही है, आपने बोला मैम आपकी एक नाक है, 2 आंखें, आपने स्पेक्स लगा रखे हैं, यू हैव हेयर्स ऑन योर हेड, ब्लैक हेयर्स हैं, ठीक है, और जो भी आपको एक्सटर्नली मेरी बॉडी पे देखने को मिल रहा है वो मॉर्फोलॉजी। अगर आप प्लांट के मॉर्फोलॉजी को कंसिडर करूं तो आप बोलोगे मैम रूट होता है अंडरग्राउंड पे, दिखता नहीं है अनटिल एंड अनलेस अप रूट, मैं उसको बाहर ना निकालू।
स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस है, सब कुछ है, मतलब मुझे दिख रहा है बड़ा बड़ा पेड़, पर दूर से देखकर आप पहचान सकते हो कि ये पेड़ है, क्योंकि वो वेरी वेल नोन जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब मैं आपको पूछूं कि रूट अंदर से कैसी दिखती है, या स्टेम अंदर से कैसा दिखता है, या लीफ अंदर से कैसी दिखती है, तो आप बोलोगे मैम अब ये तो मतलब नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है, मैं सेक्शन लूंगा, माइक्रोस्कोप में स्टडी करूंगा। तो एक तरीके से हम लोग इसको बहुत ही अगर बेसिक से समझें तो ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी। प्लांट के किसी भी पार्ट को निकाल के आप तसल्ली से माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो आप एक तरीके से सेल्स का विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप सेल्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हो। ठीक है, अब चाहे रूट का कोई पार्ट ले लो, स्टेम का कोई पार्ट ले लो, या फिर लीफ का कोई पार्ट ले लो। इज इट क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? ये फ्रूट है कोई, रूट के अंदर क्या है एनाटॉमी में पता चलेगा, स्टेम कैसा दिखता है अंदर से एनाटॉमी में पता चलेगा, लीफ के अंदर क्या है एनाटॉमी से पता चलेगा। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इज इट क्लियर? तीन पॉइंट्स पे फोकस करना है, रूट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड लीफ ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब हमें पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, फर्दर उनके पास डिविजन्स होते हैं मोनोकोटिलीडन्स और मोनोकॉट्स एंड डाइकोटिलीडन्स या फिर डाइकॉट्स। हमें ये भी पता है कि डाइकॉट्स आर मोर इवोल्यूटेड, मोर डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो यहां पर हमें मोनोकॉट रूट भी पढ़नी है, डाइकॉट रूट भी पढ़नी है, मोनोकॉट स्टेम भी पढ़ना है, डाइकॉट स्टेम भी पढ़ना है, ठीक है, मोनोकॉट लीफ भी पढ़नी है और मोनो डाइकॉट लीफ भी पढ़नी है। अब अगर कोई भी सेक्शन में ले रही हूं, ठीक है, मान लो इसकी बॉडी इसकी क्या, सबकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है, दिस इज द सेक्शन। तो अगर सेल्स की बनी हुई है तो यहां पर मुझे ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है, यहां पर मुझे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या दिख रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू। बेसिकली हम लोग एक तरीके से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पूरा का पूरा फोकस प्लांट टिश्यू पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू पे कर रहे हैं। रूट में कैसा टिश्यू है, स्टेम में कैसा टिश्यू है, लीफ में कैसा टिश्यू है, मतलब यहां पर हम लोग वेरिड काइंड ऑफ सेल्स को देखने वाले हैं, क्योंकि टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर और मे बी डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, मे बी सिमिलर एंड डिसिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड अ कॉमन ओरिजिन। हम एनिमल्स कौन से कॉमन ओरिजिन से आते हैं, एम्ब्रियो, ये कौन से कॉमन ओरिजिन से आते हैं, सीड, सीड को उगाओगे, सीड को जर्मिनेट करोगे, उसकी डोरमेंट कंडीशंस को तोड़ दोगे तो पूरा का पूरा न्यू प्लांट आपको दोबारा से मिल जाएगा, और सीड से न्यू प्लांट बन रहा है, मतलब उसी सीड से डिवीजन हो रहा है और सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा जो फोकस है वो पूरा का पूरा टिश्यू पर है, इज इट क्लियर? अब मैं एक डायग्राम बनाती हूं आपको टिश्यू का समझाने के लिए। ठीक है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे सेल की शेप कोई भी हो सकती है, आप ओवल ले लो, स्फेरिकल ले लो, ओवॉइड ले लो, इलोंगेटेड ले लो, स्पिंडल शेप ले लो। ठीक है, हर सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, प्रोटोप्लाज्म होंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या है,
टिश्यू है, गेटिंग माई पॉइंट। अब मान लो ये सर्कुलर शेप सेल्स है, ये सर्कुलर शेप्ड सेल्स है। अब ये टिश्यू नंबर वन है, मैंने कहा चलो और ग्रुप ऑफ सेल्स को जोड़ दो, टिश्यू नंबर टू कर लो। टिश्यू नंबर टू में मैंने थोड़े से हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल्स को जोड़ दिया, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये रहे हेक्सागोनल शेप्ड सेल्स, गेटिंग माई पॉइंट। अब यहां पर दोबारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ। ये एक सेल था, सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, ठीक है, या फिर सेल ने इनलार्जमेंट किया और ये क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, गेटिंग माय पॉइंट। सेल डिवीजन करता जा रहा है, उसमें पावर ऑफ डिवीजन है, वो मेरिस्टेमेटिक है, और कुछ टाइम बाद कुछ सेल्स में क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स बिकम मैच्योर, इज इट क्लियर, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक जोन से किसमें चले गए, परमानेंट। तो क्या मैं कह सकती हूं कि टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यू, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, एंड तक रहना है, अभी के अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगेन मैं कह रही हूं अनअकैडमी बेस्ट दे रहा है, उसका वन ईयर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लो स्टूडेंट्स, नीट यूजी का बहुत बेस्ट है, कभी निराश नहीं हो गया, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने क्यों लिया था। MB10 प्रोमो कोड आप यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में हमें बात करनी है, कौन से, चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं अट्रैक्टिव करने के लिए। पहला होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद परमानेंट टिश्यू, इज इट क्लियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब अगर टिश्यू है तो किसका बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, कॉमन सेंस की बात है ना, अगर टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ है। अब देखो नाम बता रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब कॉमन सेंस की बात है किसका बना होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। सो मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। आपको अच्छे से पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या फंक्शन होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स अनलिमिटेड सेल डिवीजन करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, प्लांट को बोलते हैं तुम हाइट वाइज लंबे हो जाओ, इतने बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, ट्रीज दिख रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लोकलाइज सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो डिवाइड करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, रूट टिप पर भी है, शूट टिप पर भी है, ठीक है। सो दीज सेल्स शो कंटिन्यूस सेल डिविजन, कंटिन्यूस सेल डिविजन, गेटिंग माई पॉइंट। दीज सेल्स शो कंटिन्यूस सेल डिविजन, एक सेल बना फिर बहुत सारे सेल्स बने, मतलब एक तरीके से रिजल्ट इन प्राइमरी ग्रोथ, मतलब अलाउ द प्लांट टू इंक्रीज इन हाइट, हाइट वाइज इंक्रीमेंट। एक तरीके से कहूं तो मैं इसको वर्टिकल इंक्रीमेंट भी बोल सकती हूं, वर्टिकल इंक्रीमेंट, गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर। अब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट मतलब बिल्कुल परमानेंट हो चुके हैं, जो सेल्स बन गए हैं वो बन गए हैं,
उनमें डिविजन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो चुकी है, जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी ही हो गई है। और परमानेंट टिश्यू खुद से नहीं बनते, दे आर इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई कहीं तो प्लांट को थोड़ा रुक कर फंक्शन भी करना है, उसको ट्रांसपिरेशन भी करना है, उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है, उसको रेस्पिरेशन भी करना है, उसको हॉर्मोन्स भी बनाने हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेल्स को रुकना पड़ेगा और अपने फंक्शंस को मैच्योर करना पड़ेगा। अब उनको ये बोलना पड़ेगा कि तुम डिवाइड मत करो, तुम कुछ काम कर लो। इज इट क्लियर? तो वहां पर भी ग्रुप ऑफ सेल्स आएंगे। अगेन ग्रुप ऑफ सेल्स इज अ टिश्यू। तो हम लोग कहेंगे परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ, सिंपल डेफिनेशन है, बहुत यू नो लॉजिकल बेस्ड ये चैप्टर है, जुड़े रहोगे तो अंत तक समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट्स। मेड अप ऑफ परमानेंट सेल्स विच आर इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इटसेल्फ डेरिवेटिव ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि परमानेंट सेल्स का कोई अलग ओरिजिन नहीं है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही कुछ रुक कर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब जहां वो डिवीजन बंद कर देंगे, कॉमन सेल्स की बातें, आगे सेल्स जा नहीं रहे हैं, मतलब जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है वो हो नहीं रही है, मतलब उसमें फंक्शन डाल दो, उसको मैच्योर कर दो, उसको परफेक्टली स्पेशलाइज कर दो फॉर एवर लाइफ ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर? पर ऐसा नहीं है, कभी कभार अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम जो परमानेंट सेल है उनमें भी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी रीगेन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर डिवीजन हो रहा है, अगर यहां पर डिवीजन हो रहा है तो एक तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन। अगर यहां पर डिवीजन हो रहा है, देखो लॉजिक देखो, अभी धीरे धीरे चैप्टर पूरा एंड तक समझ गए, बेसिक है, बेसिक नहीं समझोगे इस चैप्टर में हमेशा परेशान रहोगे। ठीक है, सो यहां पर डिवीजन हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलो अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेयर lost division capacity, is it clear? ठीक है, division capacity and functions allocated, and functions क्या होते हैं students, allocated हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेबल चल रही है इसी को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है मेरिस्टेमेटिक, यहां पर क्या है परमानेंट। चलो क्या लिखूंगी, यहां के सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकती हूं कि सेल्स आर शोइंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स आर शोइंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? सेल्स एलोकेटेड स्पेशलाइजेशन, सेल्स एलोकेटेड स्पेशलाइजेशन, इज इट क्लियर? अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है भाई, ये देखो, ये सपोज करो ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है, इसके अंदर क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, प्लांट को ग्रोथ दे रहे हैं, हाइट में बढ़ा रहे हैं, लेंथ में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर प्लांट इतना ज्यादा लेंथ में बढ़ रहा है तो फिर हमें क्यों जरूरत है ये परमानेंट पढ़ने की और फिर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने की, क्या जरूरत है? अगर आप प्लांट को सिर्फ लंबाई में बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो वैसे भी उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है। अब अगर उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है तो लंबा होता ही जाएगा भाई, लंबाई तो चाहिए, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वो बहुत ही ऐसे वेरी पोजिशन पे आ गया, हवा चली और वो गिर गया।
तो अगर हमें अपने प्लांट को फॉरएवर खड़ा रखना है, ठीक है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देनी है, पावर देनी है, तो कहीं ना कहीं हमें परमानेंट टिश्यू को ऐड करना पड़ेगा। परमानेंट टिश्यू में कहीं ना कहीं एक ऐसा फंक्शन होता है कैम्बियम का, जहां पर सेल्स लंबाई वाइज ना बढ़कर प्लांट की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। अभी कैसे होगा ये आगे देखोगे। आपने प्लांट का वो वाला फंक्शन पढ़ा है, कंडक्शन, कहा कंडक्शन का कि वाटर कंडक्ट करो, फूड कंडक्ट करो। हाँ, वाटर कंडक्शन जाइलम, मीडियम ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, परमानेंट टिश्यू। फ्लोएम, फूड कंडक्शन, अगेन अ टिश्यू, मेडअप ऑफ सेल्स, स्पेशलाइज्ड। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दीज आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इज इट क्लियर। अब अगर हम लोग परमानेंट के बारे में बात करें, तो परमानेंट क्या होते हैं? परमानेंट दो तरीके के होते हैं। कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड कौन सा होगा स्टूडेंट्स? कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, गेटिंग माय पॉइंट? इसका क्या मतलब हुआ बताओ, बताओ मुझे, कैसे लिखूंगी मैं? सिंपल मतलब कोई भी चीज है वो आपको सिंपल सी दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। परमानेंट टिश्यू मतलब, परमानेंट मतलब लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन, हैज डिफरेंसिएशन, ठीक है, और वो कोई ना कोई काम करने वाले हैं। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या मैं कह सकती हूं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, मतलब दे आर एक्चुअली द लेस डेवलप्ड एंड सिंपल टिश्यू, इज इट क्लियर? सो मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। सपोज करो सर्क्यूलर होंगे तो सर्क्यूलर ही हो गए, ठीक है, ओवल हो गए तो ओवल ही हो गए, इज इट क्लियर? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। एंड कंपाउंड परमानेंट टिश्यू मीन्स मेड अप ऑफ डिसिमिलर या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट या फिर डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, इज इट क्लियर? मीन्स किसी की शेप ऐसी है, किसी की शेप ऐसी है, किसी की ऐसी है और किसी की ऐसी है, अलग अलग शेप में आपको ये सारे दिख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना हुआ है, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बात करूं, लोकेशन के बारे में बात करूं, तो ये होंगे एट रूट टिप एंड शूट टिप। तो मैं इसको कह सकती हूं रूट टिप पे प्रेजेंट रूट मेरिस्टम, एंड शूट पे प्रेजेंट है टिप पर, तो शूट मेरिस्टम। अब इसको मैं दोबारा थोड़ा अच्छे से बोलती हूं, रूट टिप पर है तो रूट अपाइकल मेरिस्टम, टिप पर है, अपेक्स पर है, और शूट के टिप पर है तो शूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। एट रूट टिप रूट अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है, और एट शूट टिप मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टम, गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं एक डायग्राम बताती हूं आपको, ठीक है। अब
क्या है, एक डायग्राम देखो, मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेम रैम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम सैम, राम सैम, रैम सैम, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर ये रूट है, ठीक है, ये रूट है, रूट का जो टिप है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसके आसपास रूट कैप है, ठीक है, दिस इज द रूट टिप, ठीक है, और इसके आसपास क्या है, रूट कैप, क्या है स्टूडेंट्स, रूट कैप। अब मैंने क्या कहा कि रूट टिप पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, तो मैंने उनको रूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स कह दिया। अब डाल दो सेल्स, देखो, ठीक है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करेंगे, डिविजन, और न्यू सेल्स को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, क्योंकि मुझे रूट को लेंथ वाइज इंक्रीज करना है। मैं यहां पर रूट की गर्थ की बात नहीं कर रही हूं, है मेरी बात समझ में आ रही है, एंड तक रहना और अच्छे से समझ में आएगा। मैं रूट की लंबाई बढ़ा रही हूं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करके, अभी मैंने कोई परमानेंट सेल्स ऐड नहीं किए हैं, अभी ये कोई काम नहीं कर रही है, ये कोई गर्थ वाइज शो नहीं कर रही है, जब ये गर्थ वाइज शो करेगी तो नोड्यूल्स बनेंगे, जब नोड्यूल्स बनेंगे तो फूड भी बनेगा, ठीक है। तो सी द इंटर रिलेशनशिप कि किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक की पकड़ बनती है परमानेंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो ये मैं जोन ऑफ सेल डिवीजन कह सकती हूं, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आपको इन सेल्स की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, भाई देखो इन सेल्स को क्या करना है, कंटिन्यू सेल डिवीजन करना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बताओ, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मतलब अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी पूछूं तो सेल हैव थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल तक डाल दो, सेकेंडरी और टर्शियरी को मत डालो, क्योंकि सेल्स को क्या है, डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। सेल्स हैव थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, देन और बताओ, कंटिन्यूस डिवाइड करना है, बार बार कैरियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक डिविजन करना है। तो मैं क्या कह दूं कि अगर मैं एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस डाल दूं और अबंडेंट साइटोप्लाज्म डाल दूं, कैसा लगेगा, बोलो यस मैम। सो हैव, देखो लॉजिक से मैंने आंसर निकाला, हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म, इज इट क्लियर, आई बात समझ में। तो ये वाला डिवीजन मैं कह सकती हूं, वैसे तो ये क्या है, मेनली मॉर्फोलॉजी में भी आता है, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहां पर एक बात बताओ, आपको वैक्यूल की जरूरत है, मतलब प्लांट के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, उसमें हम लोग फूड स्टोरेज भी कर सकते हैं, सैप को भी स्टोर कर सकते हैं, नहीं, कंटिन्यूस डिवीजन करना है तो वैक्यूल की जरूरत नहीं है, नो वैक्यूल, नो वैक्यूल। अब देखो ये सेल्स क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं और थोड़े से लंबे हो रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर वैक्यूल की एक्टिविटी आएगी, यहां पर वैक्यूलर इनलार्जमेंट होगा, जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड फिर फाइनली जोन ऑफ मैच्यूरेशन, ठीक है। ये मैं मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रही हूं आप लोगों को। अब अगर मैं शूट के बारे में बात करूं, तो ये यहां पर है आपका प्लूम्यूल, ठीक है, यहां पर क्या है, सेम है, इसकी एक्टिविटीज से सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली एक स्टेम बन रहा है,
गेटिंग माई पॉइंट. स्टेम के यहाँ पर आपके पास कुछ और टिश्यूज आएंगे, आप देखना कोलेनकाइमा आएगा और यहाँ पर क्या है बड आएगी, फिर वो लोग हेल्प करेंगे और ये बढ़ जाएगा. तभी हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो एब्सिसिक एसिड भी पढ़ते हैं, ऑक्सिन भी पढ़ते हैं. ठीक है, वैसे क्या है जब इसको तोड़ना है तो एब्सिसिक एसिड आएगा और ये फॉल आउट हो जाएगी. जब पत्ती बन ही रही है वो डेवलप ही नहीं हुई तो मैं क्या कहती हूँ वो पेड़ पर ही रहे, उसमें क्लोरोप्लास्ट बन रहा है, उसको फोटोसिंथेसिस करना है, उसको आगे बढ़ना है तो तू रह. लेकिन जब मैच्योर हो चुकी है, जब पीली पड़ रही है और कोई काम नहीं है और उसके जगह दूसरे को आना है तो तुम गिर जाओ. तो कुछ ऑक्सिन प्रमोट करते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं कि प्री मैच्योर फ्रूट और लीव गिर जाए, पर अगर इनहिबिशन है तो वो प्री मैच्योर फॉलिंग को करवाएंगे. तो देखो एनाटॉमी किससे रिलेट हो गई, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. ठीक है, ये बात हो गई है. अब हम लोग अगर परमानेंट के बारे में बात करें, तो परमानेंट में हमारे पास अगेन दो तरीके से हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इज इट क्लियर? अब देखो सिंपल परमानेंट मैंने बताया मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. इसमें आप पढ़ोगे पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. गेटिंग माय पॉइंट? आप इसकी ट्रिक को याद कर सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर सर्विसर. कैसे लर्न कर सकते हो इसकी ट्रिक को? पर्सनल कंप्यूटर सर्विस. ठीक है, इसकी ट्रिक याद हो गई है आपको. अब कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. देखो यहां पर अगर परमानेंट के बारे में बात है तो फंक्शन तो होगा ही, फंक्शन तो निभाना ही पड़ेगा. मरते दम तक जो वादा किया है उसे निभाना तो पड़ेगा. परमानेंट वर्ड जहां पर भी आता है, चाहे वो एक जैसे सेल्स का टिश्यू हो, ग्रुप हो, या अलग अलग सेल्स की ग्रुप ऑफ टिश्यू हो, हमें फंक्शंस एलोकेट करने हैं. ग्रोथ तो चाहिए लेकिन काम भी तो करवाना है, क्योंकि प्लांट को सर्वाइव करवाना है, प्लांट को अलाउ करना है कि तुम्हें वेरियस मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी. फिजियोलॉजी मींस अगेन फंक्शन, डाइजेशन, डाइजेस्टिव, देखो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजी, डाइजेशन कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पिरेशन करवाओ. एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम? एक्सक्रीशन कराओ. सेम विद दिस. तो यहां पर अगर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगी तो जाइलम, वॉटर एंड मिनरल कंडक्शन, वॉटर एंड मिनरल कंडक्शन, और दूसरा फ्लोएम, ठीक है, फूड कंडक्शन. तो जहां पर भी कंडक्शन के बारे में बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात आती है, मैं क्या कहती हूं? मैंने जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वैस्कुलर मतलब ब्लड के थ्रू कंडक्शन कराओ, यहां पर जाइलम फ्लोएम के थ्रू कंडक्शन कराओ. तो क्या मैं इन्हें वैस्कुलर टिश्यूज कहूं? बिल्कुल. मैं इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज कहूं? बिल्कुल. या एक तरीके से कहूं कि ये दोनों मिलाकर वैस्क्यूलर बंडल्स हैं. इज इट क्लियर? आप पैरेन्काइमा एक जैसे टाइप का सेल्स है, कोलेनकाइमा एक जैसे टाइप का सेल्स है, स्क्लेरेन्काइमा एक जैसे टाइप का सेल्स है, जाइलम फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है. ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? सेम सेल्स, ठीक है, और यहां पर डिफरेंट सेल्स. अब अगर आपके दिमाग में आता है कि भाई जाइलम फ्लोएम किसके बने हुए हैं, आप बोलोगे मैम जाइलम बनेगा बेसल्स ट्रैकीज, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. फिर आप बोलोगे मैम फ्लोएम किसका बना है, आप बोलोगे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. क्योंकि यहां पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, यहां पर आपको
डाइवर्सिटी दिख रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार हम लोग एक बार क्विकली इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, जाइलम किसका कंपोज्ड है बताओ? वेसल्स, ट्रैकीट्स, इज इट क्लियर? जाइलम पैरेन्काइमा, मतलब आप जाइलम वेसल्स भी बोल सकते हो, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट्स एंड जाइलम फाइबर्स, इज इट क्लियर? अगर मैं फ्लोएम के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या होंगे? सी ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूबलेट स्ट्रक्चर। कंपेनियन मतलब इनको कंपनी देने वाले, ठीक है। यहां पर इन सेल्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, पर बहुत डीप में नहीं जाना है हम लोगों को, ठीक है। देन आगे ये आपके फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ठीक है। पहले हम लोग पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा देखेंगे अच्छे से, उसके बाद फ्लोएम, फाइबर। जहां पर भी फाइबर्स आ जाते हैं वहां पर स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है, डेडनेस आ जाती है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि सेल्स के जो टिश्यूज हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को करते हैं, ठीक है। तो अगर फंक्शंस के बारे में बात करूं, फंक्शंस के बारे में बात करूं तो क्या करेंगे? जो हमारा टिश्यू सिस्टम है, जो प्लांट का टिश्यू सिस्टम है, वो क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है? स्ट्रेंथ, सपोर्ट, ठीक है, वेरीड टाइप्स ऑफ मेटाफास, वेरीड टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि यार प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है, हाँ कुछ ज्यादा ही वेल डेवलप्ड है, और उनको थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। कौन से? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, ऑब्वियसली जाइलम एंड फ्लोएम, एंड एपिडर्मल, एपिडर्मल। गेटिंग माई पॉइंट? अब इन तीनों को मैं एक बार क्विकली बता देती हूं आप लोगों को। देखो, एपिडर्मल मतलब नाम बता रहा है कॉम्पोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, आउटर लेयर, और आउटर लेयर किसके लिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर हम लोग प्लांट को कंसिडर करें तो ये बाहर का क्या हो गया? एपिडर्मल। फिर क्या आएगा? वैस्क्यूलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, सपोज करो ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो ये किस लिए है? कंडक्शन, ठीक है। देन थर्ड क्या आएगा? ग्राउंड, ग्राउंड मतलब पैकिंग टिश्यू, ये एपिडर्मल टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? वैस्क्यूलर बंडल्स। अब इनके बीच में खाली जगह को अगर मैं सेल से भर दूं, पैक कर दूं, तो एक प्रॉपर डिजाइन और स्ट्रक्चर दिखेगा, वो मैं ग्राउंड टिश्यू से कर सकती हूं। ग्राउंड मतलब बिटवीन एपिडर्मल एंड वैस्क्यूलर, एपिडर्मल एंड वैस्क्यूलर, ठीक है। पैकिंग, फिलिंग, पैक कर दो, फिल कर दो, ठीक है, मतलब ये यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? मैंने ग्राउंड टिश्यू डाल दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब मतलब ये जितने भी आ रहा है मजा, अब मैंने धीरे धीरे देखो बेसिक क्लियर किए हैं। जितने भी आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ले लो,
टिश्यू का बना हुआ है, आप सिंपल भी देख लोगे, कॉम्प्लेक्स भी देख लोगे। वैस्कुलर खुद कॉमन सेंस बता रहा है कि यहां मुझे वैस्कुलर ही पढ़ना है, मतलब मुझे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। एपिडर्मल फंक्शन कर रहा है प्रोटेक्शन का, परमानेंट टिश्यू। वैस्कुलर कंडक्शन का काम कर रहा है परमानेंट टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक पे तो ध्यान ही नहीं जाना जब क्वेश्चन आए तो। ग्राउंड टिश्यू पैकिंग का काम कर रहा है, अगेन परमानेंट। अब आपको ये जानना है कि एपिडर्मल में मैं सिंपल परमानेंट डालूं कि कॉम्प्लेक्स। वैस्कुलर कॉमन सेंस बता रहा है इससे जाइलम फ्लोएम से मतलब है कॉम्प्लेक्स। ग्राउंड टिश्यू क्या कहेगा वो बताएंगे। तो आज इतना आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स जो मैं बोलना चाह रही थी, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं सेशन को ओवर करती हूँ, ठीक है। मैंने यहां तक जितना बता दिया है, अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूं, तो एक ही दिन में मैं आपको सब नहीं बताऊंगी। अगेन स्टूडेंट्स, अगले सेशन में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे इसके थ्योरी कवर करेंगे, बेसिक को समझ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ग्रिप वाला है, पर बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, और MB10 प्रोमो कोड यूज करना है टू गेट 10% डिस्काउंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आई मेरी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को इतना कवर अप किया है, नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे। इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट, और 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट, यूज माई कोड MB10 टू गेट 10% डिस्काउंट, अभी के अभी करो, हरी अप, ठीक है। अब अगले सेशन में मिलेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, जुड़े रहना, रेगुलर लेना, बहुत सारी अच्छी चीजें लाने वाली हूँ, काफी सारे मैराथन लिए हैं, आगे भी आने वाली हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।